ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان للتوبة والغفران ومجالسة القرآن ظمآن ظمآن لوصالك يا رمضان. السلام عليكم guys, welcome back to my YouTube channel. आज ये हमारा दूसरा दिन रमजान सीरीज का, तो यहाँ पे आप मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी वीडियो जो कि आजकल के लोगों के लिए मतलब 5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही नहायत ज़रूरी है। यह है अरबिक वर्ड जो है हमारे पास अल्लाह स्वाबिर, इसका मतलब है कि भाई अल्लाह उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो सब्र रखता है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है और मैं अपनी इस वीडियो को इसलिए लेकर आई हूँ ताकि मैं आप सबको इसका एक मतलब बता सकूँ, इसका डीप मीनिंग। आजकल की जनरेशन को क्या ना, हमें बहुत जल्दी वो सब कुछ चाहिए जो कि हमसे जो हमारे आबा अजदाद हैं उनको वो चीज़ें हासिल करने में एक वक्त लगे, बट हम एक ऐसी जनरेशन है हमें चाहिए कि हमें बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा कुछ मिल जाए। हमें सब्र हम जनरेशन में जो है ना सब्र बिल्कुल भी नहीं है, हम बिल्कुल बेसब्रे से हैं, हमें जो भी चाहिए हमें फटाफट चाहिए वरना हमें नहीं चाहिए। सो मेरा ये सीरीज लाने का मतलब ये था कि हम डेली बेसिस पे कुछ अच्छा सीख सकें जो मेरे लिए भी अच्छा हो, जिससे मुझे भी बहुत अच्छे से सबक मिल सके, मतलब जिससे मुझे भी डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत नॉलेज मिल सके और मैं आपकी नॉलेज में भी इजाफा कर सकूँ। सो यार मैं अपने ये सीरीज इसीलिए लेके आई थी। सो यहाँ पे मैं अपनी पेंसिल लेके बैठ गई अपनी सीरीज के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। यहाँ पे मैंने ली अपनी पेंसिल और पेज ली अपनी स्केच कॉपी ली और मैं बैठ गई यहाँ पे। आपको पता है एक अच्छा कंटेंट ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों को लेके ध्यान में रख के करना पड़ता है। इवन तो हमें ग्रेडियंट्स को भी लेके हज़ार वेबसाइट पे जाके एक अच्छी ग्रेडिंग मिलती है जिसको हम फिर अपने जो भी है ना ये पेंटिंग में जो कैलीग्राफी पेंटिंग में वहाँ पर हम लोग शो अप करते हैं। सो आज मेरा दूसरा दिन है। आई एम नॉट प्रो, मतलब मैं एक प्रो आर्टिस्ट नहीं हूँ कैलीग्राफी की, पर स्टिल मैं काम कर रही हूँ क्योंकि ये ना आप करते जाओ तो आज मतलब आप जो भी डेली बेसिस पे करते हैं देन एक दिन ऐसा आता है जो आप अच्छे बेसिस पे आप कर लेते हैं, करते रहेंगे कहीं ना कहीं जाके तो पार हो ही जाएंगे। सो या हमें इस जनरेशन को चाहिए जिसे आजकल हम जेन ज़ कहते हैं, हमें चाहिए हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा रखना चाहिए। हम बहुत बेसब्र हैं, हमें जो भी चाहिए मतलब धड़ाधड़ फटाफट चाहिए, भाई सब्र तो हमें है ही नहीं। और आजकल लोगों में ऐसा होता है ना कि मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं जितना हम दिखा लेते हैं कि और मैंने इतनी मेहनत की है और मुझे इसका फल नहीं मिल रहा, हमें फल इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हम बहुत बेसब्र हैं, हमें पेशेंस नहीं है। हम अब मैं क्या ही कहूँ आजकल की जनरेशन के बारे में, मैं भी छोटी हूँ, मैं भी इतनी बड़ी नहीं हूँ, बट सिर्फ क्या करें, अब ये जनरेशन ही ऐसी है और आने वाली जनरेशन भी ऐसी ही होंगी जिनमें सब्र बिल्कुल भी नहीं होगा और मतलब हमें कम वक्त में बहुत ही कुछ ज़्यादा चाहिए होगा। सो यहाँ पे मैंने लिया मेरा मार्कर और यहाँ पे पहले तो मैंने पेंसिल से अपने जो स्वाबिर को पेंसिल से फिर था कि अगर जहाँ पे मुझे लगे मैंने मिटा के सेव करना है तो मैं उसको ठीक से करूँ। देन मुझे लगा कि भाई हाँ इस परफेक्ट है, मैंने अपना मार्कर लिया और उसके ऊपर अपनी जो कैलीग्राफी है जो मेरा अरबिक वर्ड स्वाबिर को फ्लैग पॉइंट मार्कर से अच्छे से क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं गाढ़ा करना शुरू कर दिया, आउटलाइनिंग देनी शुरू कर दी ताकि उसको प्रॉपर वाले तरीके से नजर आना शुरू हो जाए। सो या इसी के साथ मैं आपको एक और मजे का वाक्य सुनाती हूँ जो मेरे साथ अभी तो नहीं लाइक लास्ट ईयर हुआ था जब मैं न्यू आई थी यूट्यूब पे, तो मैंने लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ था क्योंकि दिन की 2 वीडियोज बनाना देन उसकी शोज बनाना देन उसको एडिट करना अपलोड करना, और मेरे लिए ऐसा था लाइक बहुत ही मतलब हैक्टिक शेड्यूल था क्योंकि लाइक 24 घंटे मुझे बस यही करना था, बनाना अपलोड करना एडिटिंग करना देन बस यही रह गया था मेरी जिंदगी का मतलब मकसद के भी पास बनाओ और डालो। और अब मैं डाली सडन मेरे व्यूज मेरे
क्या कहते हैं सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे, मेरे व्यूज भी आ रहे हैं, और मेरे ना जो मेरे व्यूज आए हुए थे, जो मेरे वॉच और आए हुए थे ना, वो सडन गिरने शुरू हो गए। मैं ऐसे नहीं, मैं मेहनत कर रही हूँ और ये क्या हो रहा है मेरे साथ ना। मतलब मैं बहुत ही न्यू सी थी, और एक मेरा ये ना मेरे में एंग्रेस बहुत ज़्यादा है, चूँकि हमें नहीं होने चाहिए बस ये हैं। तो मुझे बहुत गुस्सा आया ना इस चीज़ पर कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, भाई मैं मेहनत कर रही हूँ और ये यूट्यूब पर मैं सब कैसे कर रहे हैं ना, कि भाई ऐसे कैसे आप किसी की मेहनत को ऐसे ज़ाया कर सकते हैं ना। मुझे बहुत गुस्सा आया और मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ ना। मैंने कहा अब मैं यूट्यूब नहीं कर, मैं अपनी यूट्यूब छोड़ के सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गई। और मेरे साथ ऐसा होता है ना, जब मेरा कोई फॉल्ट आता है लाइक ऐसे कि लाइक अब मेरा काम सही नहीं चल रहा, लाइक मैं मेहनत कर रही हूँ बस फिर मुझे उसका फल नहीं मिलता, तो मैं कहती हूँ स्टॉप, फिलहाल चलिए बस को काम अपना छोड़ देती हूँ। देन मैं फिर अगर मेरा दिल किया तो मैं दोबारा से शुरू करूँगी, नहीं तो फिर नहीं मैं कुछ और कर लूँगी। तो इससे पता है क्या हुआ, मैंने 5-6 दिन अपनी यूट्यूब की बिल्कुल कोई वीडियो नहीं डाली, कोई शॉर्ट नहीं डाली, और मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं कर रही। तो अब ऐसे 5-6 दिन गुजर गए ना, तो अब क्या हुआ मेरे साथ, फिर अब रात को मेरे पापा ने मुझे बुलाया ऊपर वाले पोर्शन में, उन्होंने मुझे बुलाया, मैं ऊपर गई तो मेरे कज़न, हम सब कज़न बैठे हुए, मेरी कज़न बच्ची जो कि मुझे सीनियर है यूट्यूब में, और मैं तो भी जूनियर हूँ, मुझे भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ यूट्यूब पे, मैं तो पापा मेरे 4-5 साल से यूट्यूब पे। सो मैं आके बैठ गई तो मुझे कह रहे कि लाइका तुमने यूट्यूब पे वीडियोज नहीं डाली ना 5-6 दिन हो गए। तो मैंने कहा पापा मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, ना मेरे व्यूज आ रहे हैं, ना मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा, मैं मेहनत करी जा रही हूँ मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा मैं क्यों मेहनत करूँ भाई, मेरे से इतनी मेहनत नहीं होती कि भाई अब देखिए अब हर किसी को चाहिए था कि भाई वो अपना काम करे तो उसको अप्रिसिएशन मिले, तो उसको होता है वो मोटिवेट हो जाता है, वो अपना काम अच्छे से कर लेता है, और थोड़ा सा उसमें जब जज्बा आता है ना तो और जोर से काम करता है। तो मुझे वो मोटिवेशन की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा मुझे हम छोड़ छाड़ के अपना लैपटॉप भी बंद रखा, बंद चाहिए तुम चाहिए, मैंने ऑन भी नहीं किया। फिर मेरे पापा ने कहा देखो बेटा अभी तुम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही हो, ठीक है, जो कि मेरे पापा मतलब हमेशा मुझे समझाते हैं, मेरे बहन भाइयों को मैं आपको भी कभी कभी समझा दिया करूँगी कि अपने वीडियोज के थ्रू आपको बताऊँगी मेरे पापा ने मुझे क्या समझाया और मैंने उसे क्या सीखा और आपको क्या सीखना चाहिए। सो या तो मेरे पापा ने मुझे कहा देखो लाइका ऐसे दिल छोटा नहीं करते, थोड़ा सा सब्र रखो, हौसला रखो, सब्र रखो। तो मैंने कहा पापा आप देखिए ना आपके सामने ये मैं उठती हूँ, मैं मतलब मैं मैक्स 2-2.5 घंटे सोच रही थी 24 घंटे में से, क्योंकि तो मैं यूट्यूब पे न्यू न्यू थी और मेरा कंटेंट भी कार्टून एनिमेशन क्रिएशन का था और एडिटिंग वगैरह का भी था, तो मेरे लिए बहुत हैक्टिक शेड्यूल था मेरे लिए, क्योंकि एट अ टाइम मैं मेरा दूसरा काम भी कर रही थी और मैं साथ में यूट्यूब भी कर रही थी, तो सो मतलब बहुत ही हैक्टिक मेरा शेड्यूल था। मैंने कहा बस और मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, मतलब मैं मेहनत करी जा रही हूँ मुझे उसका फल मिल ही नहीं रहा। तो मेरे पापा ने मुझे कहा देखो मलाइका तुम अभी जिंदगी के उस सीढ़ी पर जहाँ पे तुमने भी बहुत कुछ देखना है, अभी तुम्हारी जर्नी शुरू भी नहीं हो, तुमने पहले इतने औजार डाल दिए, तुमने कहा बस अब मैं नहीं कर रही, तुमने अपने हाथ उठा दी, तो ऐसा जिंदगी में नहीं होता, जिंदगी बहुत ही लंबी है, इसको कभी सब्र के साथ गुजारना है, कभी इम्पेशेंट हो गए, मतलब मतलब बहुत ज्यादा सिचुएशन आएगी जो तुम्हें हैंडल करनी है, बट एक चीज तुम हमेशा याद रखना कि तुम सबर का जो तुम्हारा दामन है ना उसको कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं, जब तक तुम्हारे पास सबर है ना तुम सब कुछ अचीव कर सकती हो। मतलब वो कहते हैं ना उर्दू में अल्लाह ताला के घर में देर है पर अंधेर नहीं, लेकिन आपको एक चीज नहीं मिल रही इसका मतलब है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, डिले हो रही है इसका मतलब अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ बहुत ही बड़ा रखा हुआ है जो हमारे आउट ऑफ इमेजिनेशन होगा, आउट ऑफ द बॉक्स होगा, जब हमें मिलेगा हम कहेंगे वाओ ये तो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, और जो मुझे मिल गया, जो मुझे अल्लाह ताला ने नवाजा उसके मैं लायक नहीं भी थी और मुझे वो फिर भी मिल गया। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें ज्यादा जल्दी चीज हार नहीं होना चाहिए, हमें करना चाहिए करने मतलब लाइक अपने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, अपना काम थोड़ा थोड़ा करना चाहिए बट करना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे स्किल्स इन्हेंस होते हैं किसी भी चीज को लेके, किसी भी चीज को, अगर मैं कार्टून एनिमेशन कर रही थी
वो मैंने बीच में ड्रॉप आउट इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे लगा लाइक मतलब बहुत ज्यादा लोग कॉटन एडमिशन कर रहे थे मुझसे पहले के भी, बहुत सीनियर यूट्यूबर्स भी थे जो कर रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं मैं अब ये नहीं करूँगी क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट रही हूँ मेरी क्लासेस में। और फिर मतलब जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मेरे जो स्टडीज लेवल्स थे वो बहुत हाई होते गए और फिर टाइम नहीं मिलता आपको अपनी क्रिएशन के लिए अपनी आर्ट के लिए, तो स्कूल कॉलेज घर आना पढ़ना फिर आपको पता है बिजी शुरू हो जाते हैं आजकल तो लाइफ भी बहुत बिजी है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था मैं अपने काम के लिए। सोया मैंने अपने कॉलेज किया ICS मैंने बेसिक लिखी हुई है सो मैंने वो ख़त्म की और मैंने कहा बस यही पास अब मुझे नहीं आता क्योंकि इतनी स्ट्रेस इतनी टेंशन होती है पढ़ाई को लेके इतनी, भला हम लोग कहाँ पढ़े पेपर से एक दिन पहले पढ़ेंगे पर फिर वो टेंशन होती है दिमाग पे पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो मैंने ड्रॉप आउट किया। फिर मैं घर में बैठी वेली, वेली इज अ पंजाबी वर्ड बट इन उर्दू हम कहेंगे, मैं ऐसे घर बैठ गई बगैर किसी मकसद के, बस मैंने कहा नहीं अब मेरे से नहीं होता मैं अभी नहीं पढ़ी, मैं घर बैठ गई। और ऐसे ही मेरी बहन एक दिन आई मेरे पास ऊपर से भागती भागती लाइक आपी हम यूट्यूब शुरू करते हैं, वो कार्टून का आइडिया लेके आए, फिर मैंने कहा चलो हम बनाते हैं कार्टून, फिर हम लोगों ने कार्टून दोनों ने बहनों ने बनाना शुरू किए इकट्ठे। देन फिर मेरा बहुत जल्दी ना किसी चीज़ से भी दिल भर जाता है, तो एक टाइम शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए मेरा दिल करता है मैं एक चीज़ करूँ और मैं अपना कॉन्टेक्ट ज़्यादा चेंज कर दिया था, तो फिर मैंने मतलब 5-6 महीने मेरा वो कॉन्टेंट रखा कार्टून का। देन फिर मैंने कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मतलब मेरी वाइब मैच नहीं हो रही कार्टून से, मतलब ये मेरा काम नहीं, तो फिर मैं आई स्केचिंग की तरफ दोबारा से अपनी आर्ट की तरफ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा आर्ट वर्क। और इसमें क्या होता है हमें डेली बेसिस पे नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, हम एक्सप्लोर करते हैं, हम बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं और देखते हैं आइडियाज को कैसे कैसे करना है। और आपको पता है जो मैंने ग्रेडियंट निकाला है जो मैंने कलर अपने जो स्केचिंग के अपने जो कैलीग्राफ्ट में यूज़ किया ना इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि अब मैंने यहाँ पे मैंने जो वर्क लिया वो मैंने लिया वल्लाहु अल्लाहु सबीर, ठीक है इसका मतलब सबर करने वाला, मतलब अल्लाह बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों को पसंद करता है और अल्लाह ताला सबर करने वालों को के साथ है और सबर करने वालों को मतलब जो फल मिलेगा आखिरत के दिन या दुनिया में भी तो वो मतलब वे अनमोल सा होगा, मतलब उसका जो है ना वजन या जो उसका एक मजा होगा ना वो जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स होगा, बिल्कुल ही ऐसा लाइक कांट इमेजिन, मतलब उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो उस हिसाब से लेके लाइक मैंने बहुत ही सॉफ्ट कलर लिए, मैंने कोई हार्ड कलर नहीं लिए, सॉफ्ट कलर लेके और मैंने फिर अपने जो पेंट्स थे पेंट्स निकाले ब्रशेस निकाले कलर को मिक्स किया पानी डाला थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत सेटल किया अपने कलर्स को और फिर मैंने लिया स्पंज और स्पंज के साथ मैंने कलर्स को बिठाना शुरू किया अपने पेपर पे और ब्लैक बारीक लाइनर जो ब्रश होता है ना वहाँ लाइनर ब्रश वो लिया और उसके साथ मैंने गाढ़ा करना शुरू किया ये हमारा अरेबिक वर्ब और हमारी कैलीग्राफी खास का टॉपिक जो है वल्लाहु बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। तो कहने का मकसद मेरा ये था मैं वापस आती मेरी टॉपिक की तरफ के हमें थोड़ा सा पेशेंट रखना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कब कहाँ कैसे क्या हो जाए है ना, तो मैं अभी भी स्टिल मैं अपने यूट्यूब पे काम कर रही हूँ, मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, कभी कभी तो सब कहते हैं मेरी क्या ही कर रही है व्यूज नहीं आ रहे कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसे लगी हुई है मेहनत करी जा रही हूँ कहते हुए। और हाँ मेरे पापा एक और चीज़ कहते हैं हथियार डालने से बेहतर है कि आखिरी सांस तक लड़ा जाए, ठीक है ना, इसका मतलब बेसिकली ये है ना जो कह रहा है जो उसको कहने दो, लोगों का काम है कहना कहने दो भाई, तुम्हें बिलीव है कि भाई हाँ एक दिन तुम अच्छी आर्टिस्ट बनोगी, तुम्हें लगता है तुम्हारा यूट्यूब चैनल ग्रोथ होगा तो तुम लगी रहो, टाइम हर चीज़ पे टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हम जब डिग्री भी लेने जाते हैं तो हम डिग्री के लिए भी 4 साल अपने लगाते हैं 5 साल लगाते हैं, कोई बात नहीं है तो यूट्यूब है कभी भी लोगरिथम के साथ हमारा टचअप हुआ तो
एक मिनट में 2 मिनट में हम लोग वायरस ले जाएंगे, ना हुआ तो फिर कोई बात नहीं। तो तुम्हें इतना तो अपने आर्ट वर्क पे बिलीव होगा कि भाई हाँ मतलब मेरा आर्ट वर्क बहुत अच्छा है, और तुम जब जब चाहे जैसे चाहे अपने आर्ट वर्क को खेल सकती हो, अपने आर्ट वर्क के साथ जब चाहे जैसे चाहे बेच सकती हो अपने आर्ट वर्क को। और ये रैंडम थॉट मेरे दिमाग में आया था कैलीग्राफी को भी लेके। एक दिन क्या हुआ, मैं सोई हुई और जस्ट रैंडम में उठी और मेरे दिमाग में आया कि आगे अब आ रहा है रमजान, ठीक हो गया रमजान आ रहा है। रमजान में हमारा बीइंग अ मुस्लिम हमारा हेक्टिक शेड्यूल होता है रमजान में, क्योंकि हमें कुरान भी पढ़ना होता है और हमें इस तारीख की तैयारी करनी होती है, हमें सारी की तैयारी करनी होती है, और इसके बाद हम लोग ने नमाज वगैरह पढ़नी होती है। मतलब आपको पता ही होगा जो मुस्लिम कम्युनिटी होगी वो तो उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा हमारा। फिर हम लोग को शॉप पे शॉपिंग के लिए भी बाजार जाना होता है, कभी कभी सुबह जाना पड़ता है, तो बहुत हैक्टिक शेड्यूल होता है हमारा रमजान का। तो इसीलिए मैंने मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो रमजान का पूरा महीना कोई वीडियो नहीं आएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, या तो मुझे था कि मैं रमजान सीरीज रख लेती हूँ, क्योंकि रमजान एक बहुत ऐसा मंथ है हमारे लिए, जो हमारे लिए नहीं मतलब सबके लिए मतलब बहुत ही सबर वाला महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है, बहुत ही बरकत वाला महीना है। इस महीने में हमारी हर चीज का हमें जो सीना मिलता है ना वो डबल हो जाता है, डबल ट्रिपल जो भी कहें मतलब वो हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा स्वाब मिलता है हर चीज के लिए। इवन तो अगर हम लोगों ने किसी के लिए अच्छा सोचा भी है ना तो हमें उसका स्वाब भी बहुत ज्यादा मिलता है। तो फिर मैंने इस पर बहुत सोचा कि मैं अपनी सीरीज लाऊं कि मैं ना लाऊं। फिर मैंने ये आइडिया शेयर किया मेरी दोस्त के साथ, उसने कहा ये तो तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है माइका, तो तुम्हें ये करना ही चाहिए। मैंने कहा चलो मैं कर ही लेती हूँ, वैसे मैं अपने दोस्त से मशवरा करती रहती हूँ लेकिन मुझे ये चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो फिर जब मुझे लगता है कि जब फाइनल डिसीजन होते हैं फिर हम सब बैठ जाते हैं कि आप बताओ करूँ मैं ना करूँ करूँ ना करूँ, फिर एंड में जो डिसीजन आता है वो होता है भाई हाँ भाई करना ही करना है, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। तो मैंने कहा चलो भाई अब मेरे दिमाग में आया है, अल्लाह तला ने मेरे दिमाग में डाला है तो क्यों ना मैं कर ही लूँ। तो बस ये एक बेसिक ही मकसद था मेरा रमजान सीरीज लाने का, वरना रमजान सीरीज नहीं आनी थी। सो अल्लाह ताला को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में डाला और मैंने उसको एग्जीक्यूट किया अपने तरीके से, और एक अच्छी सी रमजान सीरीज लेके आई आप सबके लिए। उम्मीद है आपको मेरी रमजान की सीरीज अच्छी लगी हो। और रमजान सीरीज की एक खास बात ये भी है कि मैं अपने तमाम रमजान सीरीज की वीडियोज में टप कर रही हूँ अपनी आवाज, जो कि मैं आम वीडियोज में नहीं करती, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मुझे जल्दी जल्दी से अपनी वीडियो एडिट करके सॉन्ग्स वगैरह लगा के या बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के जल्दी अपलोड करनी चाहिए। सो रमजान सीरीज का ये था कि भाई मैं सब्र के साथ आराम से पेशेंट होके आराम सुकून से पुरसकून होके अपना काम करूंगी और अपनी वीडियोज को रिकॉर्ड करके वॉइस ओवर करके और अपलोड करूंगी। और इसी के साथ यहाँ पे मेरी वीडियो का भी होता है अहतमाम, जैसे कि आप देख रहे हैं बस कुछ ही 5-6 चीजें ही रह गई हैं मेरी वीडियो में जिनको मुझे हाईलाइट करना है। हाईलाइटिंग चीज के लिए मुझे उनको क्या कहते हैं उसको बेहतर नहीं उसको कहते हैं ब्लैक लाइन से मैंने उसको कवर करना है ताकि प्रॉपर मेरा नजर आ सके। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, जिसका मतलब है हमारे पास बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों को पसंद करता है या बेशक अल्लाह ताला सबर करने वालों के साथ है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी वीडियो होती है यहाँ पे खत्म, हमारी रमजान सीरीज की एपिसोड नंबर 2 होती है यहाँ पे खत्म। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, आज न्यू चीजें सीखी होंगी आपने मुझसे। और अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसी और ज्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं तो आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइए कि हाँ हम चाहते हैं और मैं लाजमी लेके आऊंगी। अगर तुम मेरा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और मुझे अच्छा लगा कि मुझे अच्छा एक कमबैक आ रहा है मेरी कैलीग्राफी के लिए, तो फिर मैं आगे फर्दर कैलीग्राफी कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो ये बस रमजान सीरीज ही होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। इसी के साथ यहाँ पे होती है मेरी खत्म आज की एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सबके साथ करें।
और मेरे चैनल को भी बूस्ट आउट करें और सब सब्सक्राइब करें और बहुत ज्यादा मुझे प्यार दें। अल्लाह हाफिज़।